गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, द लाइफ प्लैटर में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, टुआ भी अच्छी है। और आज है गणेश पूजा, तो हैप्पी गणेश पूजा टू ऑल ऑफ यू। बापा आ गए हैं, शुरुआत पूजा का शुरुआत हो चुका है। और सारे जो है पूजा पाठ सुबह से एकदम बहुत अर्ली मॉर्निंग से मैं सुन रही हूँ आपका शंख का आवाज़, फिर बाजा जो बाजा लाते हैं पंडाल में, सब 5-5:30 बजे से सब मतलब आवाज़ कान में गूंज रहे हैं। और बापा सबके समान मनोकामना पूरी करे और विघ्न हरता है, इसलिए सबके बाधा विपत्ति भी दूर करे, साथ साथ मेरा भी दूर करे। मेरे मम्मी अभी भी हॉस्पिटल में है और मन भी अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हंस के आप सबका सामने आने का प्रॉमिस मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए वही चीज़ मैं जारी रखने का कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि दुख जो है मैं अपने तक ही रखने का कोशिश करती हूँ, सबका साथ शेयर करने से सबका मन भी थोड़ा सा भी 1% भी दुखी होता है वो मैं नहीं चाहती हूँ। सब कोई बहुत मजे करे, आज का दिन का पूरा आनंद उठाए। बच्चे तो सारे स्कूल, हमारे घर के सामने ही तो हाई स्कूल है जहाँ टुआ 1 से 12 क्लास तक पढ़ी, 6 से 12, अच्छा सॉरी 6 से 12 क्लास तक पढ़ी, अभी 1 से 12 हो गया है, पिछले 3-4 साल से हो गया है। तो टुआ भी जाने का विचार कर रही है, पता नहीं अभी उसका मर्जी है क्या करेगी नहीं करेगी। अभी रहेगा 2 दिन स्कूल में, हाई स्कूल में नहीं 2 दिन रहता है, कल विसर्जन हो जाएगा। हाँ तो कल ठीक है, तो कल जाके वो अपना स्कूल मूर्ति दर्शन करके आएगी, ऐसा मतलब वो सोचा है हल्का सा, पता नहीं उसका मर्जी है जाएगी नहीं जाएगी। उसका भी अपना सा पढ़ाई लेके बहुत टेंशन में वो है। तो बस सबको मैंने विश कर दिया हूँ, और कमेंट कोई नहीं लिखते हैं, कमेंट के लिए बार बार बोल रही हूँ कमेंट किया कीजिए। बहुत कम लोग हैं जो कमेंट करते हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं सबको ही करते तो बहुत अच्छा लगता है। तो मालूम है कि हाँ टाइम नहीं होता है, अभी टाइम का बहुत लैक है, क्योंकि टाइम जो है मैं समझ सकती हूँ सब अपना कामकाज में बिजी है, और थोड़ा मेरा 17-18 मिनट का वीडियो देख के ही सब ऑफ करके अपना काम में निकल जाते होंगे और कमेंट लिखने का टाइम नहीं होता। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा, कुछ भी एक छोटा सा भी मतलब लिखने से हम लोग को थोड़ा अच्छा लगेगा, हम लोग मोटिवेट होंगे और भी और अच्छा अच्छा वीडियो देने का कोशिश करेंगे। सुबह का चाय मेरा हो गया है, टुआ का नाश्ता हो गया है, और अभी घर का काम बाकी है। आज देरी से उठी मैं, 2 दिन से ऑफिस घर पूरा दौड़ा धूप बहुत था, माह महीना का लास्ट है तो प्रेशर भी बहुत था, ऑफिस वर्क का प्रेशर था, घर का काम का नहीं। घर का काम तो टुआ संभाल रही थी, दोनों मिलके 50-50 करके संभाल रही थी, लेकिन ऑफिस दौड़ा धूप प्रोस्पेक्टिंग सारा लेके मैं बहुत थक गई थी। तो आज कल रात को इतना सुकून का नींद आया, और सुबह उठी मैं 9 बजे, और नौ मॉर्निंग 9 बजे हो तो समझ ही सकते हैं सारा काम कितना तेज़ी से मेरा बढ़ेगा अभी। तो बस सोचा थोड़ा सा आपसे बात कर लूँ, मन थोड़ा हल्का कर लूँ, सारा बोल के मैं अपना मन का बातचीत शुरुआत कर दूँ आप सबसे, तो अच्छा मेरा रहेगा दिन। नहीं तो मन ही मन खाली वही खुद गिल्टी फील हो रहा है कि मैं 9 बजे उठी हूँ तो मेरा काम कितना बजे ख़त्म होगा, तो अभी ख़त्म हो जाएगा जल्दी, क्योंकि चाय जो बूस्टर है वो तो ले लिया, और आपसे बात कर आप सबसे मेरा बातचीत होने का जो एक बूस्टर मेरे अंदर गेन होता है वो भी मिल गया है। तो चलिए काम काज अभी निपटाते हैं, जो भी आगे होगा आपसे शेयर करेंगे, देखते रहिए, टू बी कॉन्टिन्यू। दोस्तों टुआ सामने बैठी है, मैं उसको दिखा है नहीं, उसका मूड पूरा ऑफ है। हाँ थोड़ा आप लोग देख लीजिए उसका चेहरा, देख लीजिए मूड ऑफ है, और किस लिए मूड ऑफ है मैं आप सबको अभी बताऊंगी। देखिए उसका मूड ऑफ है, कैसे चेयर और पलंग के एकदम से बूढ़े लोग जैसे नहीं बैठते हैं, देखिए बैठ गई है। गुड मॉर्निंग बोलो व्यूअर्स को, गुड मॉर्निंग ऐसे करके, गुड मॉर्निंग अच्छा से हाय करके, गुड मॉर्निंग। मूड ऑफ है तो हाय कैसे अच्छे से कर सकते हैं? अच्छा क्यों मूड ऑफ है बताओ, बोलो क्यों मूड ऑफ है? बहुत सारे रीजन है, अब बोलने जाएंगे तो पूरा बहुत टाइम लग जाएगा बोलते बोलते। टुआ का मूड ऑफ देख लिए,
देखिए जितना भी है पूजा का मौसम है, मतलब ये बंगाली लोगों का एक अलग ही मतलब क्रेज होता है शॉपिंग करने का। फिर घर साफ सफाई, डिस्टेम्पर, सारा चीज होता है बंगाली में। अभी तो आदर्श भी बंगाली पूजा को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, आदर कास्ट में भी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन बंगाली लोगों का एक अलग ही क्रेज रहता है दुर्गा पूजा को लेके। साल भर तैयारी करते रहते हैं कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके सारा चीज अरेंज करते रहते हैं यही पूजा के लिए। उसका अभी तक टुआ का अभी तक कुछ भी खरीदना नहीं हुआ, मतलब सब वो बोल रहे हैं देखो सब ड्रेस खरीद रहे हैं, स्टेटस में छोड़ रहे हैं, और मेरा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, मतलब एक क्लिप तक भी मतलब खरीदना नहीं हुआ उसका। और एक मंथ बाकी है ओनली। तो मैं बोला ठीक है जब होगा तब तुरंत जाके लेके आ जाएंगे, छोटा बच्चा थोड़ी है कि एक जाके मार्केट से दौड़ के लेके आके पहना के निकल जाओ। अभी वो लोगों का पसंद होगा 10-20 में से पसंद करेगा, फिर उसका साथ मैचिंग ज्वेलरी, फिर जूता चप्पल सारा चीज़, तो उसका हुआ नहीं अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके लिए मूड ऑफ करके बैठी है। अब होगा तो जरूर होगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले हो जाने से और मन में उसका खुशी रहता है, छोटा बच्चा जैसा एकदम हरकत है उसका। तो चलिए दिखा दिया टुआ को और कारण भी बता दिया कि उसका मूड ऑफ है। देखिए दोस्तों मुझे गणेश पूजा विश करने आए कितने बड़े मेहमान मेरे मेरे सामने वाले जो भाभी है उनकी बेटी, और एक टुआ को एंटरटेन कर रही है, मतलब उसका उदास चेहरा को थोड़ा हंसी ला सके उसका कोशिश चल रहा हूँ। देखिए बाल बना रही हेयर थेरेपी चल रहा है ना, हेयर स्टाइलिश नहीं, वो हेयर स्टाइलिश नहीं हो रहा है, वो थेरेपी हो रहा है। कितना अच्छा, तुमको तो आराम लग रहा है ना, जो यहाँ पे आराम लगता है वो थेरेपी होता है। चिनरी हाय बोलो, अच्छा से गुड मॉर्निंग। अच्छा न्यू ड्रेस भी पहनी है चिनरी। अच्छा ये दोनों बहन है कान्ना और दोनों हमारे वीडियो में है, दोनों पहले मेरे छोटे से सब्सक्राइबर, एक वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें दोनों वो ये दोनों बहनें थी। आप लोग जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं, पिछले वाला वीडियो सब, उसमें टाइटल था, हमने टाइटल ही था उसमें मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर। तो आज मुझे फिर से विश करना है आंटी हैप्पी, क्या बोला फिर से बोल सबके सामने, फिर बोल दो हैप्पी गणेश चतुर्थी। कुछ बुक लेने आई थी वो भगवान के सामने पूजा करते हैं ना, तो इसीलिए वो बोली दीदी वो अब बोला थे ना आप अपना बुक्स दीजिए, जो सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वीक है वो वाला दीजिए। अच्छा ओ देखिए बच्चे लोग जो पहले छोटे टाइम में जो तुक्का लगाते थे हम लोग भी लगाए थे वो तुक्का, मतलब अभी भी वो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, सिलसिला जो बंद नहीं हुआ, जो सब्जेक्ट में कमजोर वही वाला बुक भगवान के पास सरस्वती मैया के पास छोड़ते थे। आज गणेश पूजा का दिन भी बुक छोड़ना होता है, तो आई है दीदी आपका भी कुछ बुक दीजिए कि भगवान के सामने रखेंगे। इन कन्हा लोगों के घर में पूजा हो रहा है ना, मूर्ति लाए ना, मूर्ति ला के पूजा ना दिखाएंगे वीडियो। हाँ मूर्ति ला के, मिट्टी का मूर्ति ला के प्रतिष्ठा करके पूजा जो है भाभी कन्हा का मम्मी, मैं भाभी बुलाती हूँ, तो पूजा करते हैं। तो उसी के लिए टुआ अपना जो सब्जेक्ट में कमजोर है वही बुक उसके हाथ में थमा दिया। तो देखिए हंसी भी छूट गया एक बैग से मेरा। तो भाभी का पूजा जो है टुआ जाके उसको थोड़ा क्लिप लेगी तो आपका सब शेयर करूंगी, ठीक है। ये देखिए मेरा हेयर स्टाइल बना, अच्छा बना रही है, लेकिन यहाँ से बहुत दिनों बाद ये यहाँ से बेनी करके यहाँ मतलब वो कर रही है, अच्छा लग रहा है। पूरा लुक मैं दिखाती हूँ ख़त्म करने के बाद। ये लड़की क्या करके गई क्या करके गई, आ रही है अभी दौड़ दौड़ को देखिए आ रही है। तुम खाली पैर में 10 बार आ रही है जा रही है बिस्तर में चल रही है और वो एक चोटी बना के चली गई थी, अभी फिर आके दूसरा चोटी बनाई। आप लिखते नहीं है क्या, पेन देने बोले मम्मी। पूजा करके आते मतलब नमस्ते करके आते भगवान को फिर आके बना देना ये, लेकिन बहुत अच्छा बना था मुझे बहुत पसंद आया था। भालो करे टू ये करो यार, एक्टर उन्ना नहीं तू ही जा एक वीडियो करने का। ये आंटी के घर पे गणेश पूजा और ये है गणपति बप्पा। Thank you.
आंटी वो लगा दी थी। तुम क्यों नहीं लगाई आज? बहुत अच्छा आंटी का पूजा बहुत अच्छा लगा। आंटी लास्ट ईयर भी तो किए थे, हर साल करते हैं। नहीं मैं तो यहाँ पे आके दो ढाई साल ही हो रहा है तो मैं लास्ट ईयर वाला देखी थी। तो क्या करेगी अभी? बैलून फुलाएगी। तू मेरा चोटी बनाने वाली थी। ठीक है। हाँ चल चलिए घर चलते। वो मेरा चोटी बनाएगी, खोल दी फिर से। ठीक है भगवान जितना रहेगा अच्छा है। ठीक है बनाइए और क्या। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नाउ हैप्पी गणेश पूजा टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि अभी मैं रेडी हो गई हूँ ना इसीलिए। और ये देखिए सुबह भी मम्मी जब शूट कर रही थी कन्हा रानी यहाँ पे थी और अभी भी है। वो एक्चुअली बुक लौटाने आई थी जो वो पूजा आंटी लिए थे ना पूजा करने के लिए गणेश जी को वहाँ पे चढ़ाने के लिए, तो वही अभी देने आई है। और ये रही माता श्री। अभी हम लोग यहाँ का थोड़ा सा गणेश पूजा देख के ये मतलब चौक का यहाँ पे वहाँ से हम लोग एक आंटी के घर पे जाएंगे। मेरा चेहरा दिखाते साइड होते मेरे को पूरा निकल बाहर की। आप सट जाओ इधर, सट जाओ। हम तो सट ही रहे थे लेकिन तुम पूरा पीछे घूम गई। तो मैं और मम्मी अभी जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ जाके फिर मिलते हैं आपसे। तुम कितना अच्छा ड्रेस तो पहनी थी। हाँ ये पता है फ्रेंड्स, ये ना बहुत लहंगा चुन्नी पहननी थी, अभी तुरंत ही उन्होंने चेंज हो गया। अरे दीदी बहुत गर्म, इसी में आराम। गर्मी लागू थी, गर्मी लागू थी करके चेंज करके आ गई। ठीक है दोबारा पहनना, इस बार दिखाएंगे हम। ठीक है चलिए वहाँ जाके फिर मिलते हैं। आ गए हम लोग और उस तरफ वो देखिए मेला लग रहा है बट अभी तक लगा नहीं है। नहीं झूला नहीं, ट्रेन लगा है। और बोल रहे थे वो कुछ लग तो रहा है, एक बिल्डिंग से बहुत कुछ है ऐसे दिखाई भी दे रहे हैं। यहाँ से अंधेरा स्टार्ट होगा। और यहाँ पे देखिए कितने सारे शॉप्स लगे हैं। रुकिए मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। हमारे एकदम घर के सामने अभी फ्रेंड्स मैं ऐसे ही थोड़ा दूर से दिखा रही हूँ, लेकिन कल जब मैं आऊँगी ना मम्मी के साथ तो एकदम फ्रंट व्यू दिखाऊंगी मैं आप लोगों को एकदम सामने से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज है फ्रेंड्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं मेरे लिए ही ब्रेड सेक रही हूँ। तो मैं आज ब्रेकफास्ट में यही ब्रेड और पीनट बटर खा लूँगी। और मम्मी को जाना है ऑफिस, तो इसीलिए आज मैं मम्मी के लिए और मेरे लिए लंच मैं प्रिपेयर मैं खुद करने वाली हूँ आज। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कढ़ाई में सरसों तेल, थोड़ा सा राई ये दे रही हूँ। दाल मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था उसको छौंक लगाने के लिए। राई जैसे ही थोड़ा पॉपअप करने लगे उसमें मैंने प्याज और थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली मैंने ऐड कर दी है फ़ोरन के लिए। तो दाल पहले ही मैंने बॉईल कर लिया था। दाल में मैंने टमाटर, हल्दी और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार ऐड करके मैंने दाल को पहले बॉईल कर लिया था। और अब मैं इसमें फ़ोरन जो ये मैं सरसों तेल में फ्राई कर रही हूँ इसको मैं ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे फ़ोरन जो है ये रेडी हो गया है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं दाल को और एक बार थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी। बॉईल जैसे ही आने लगे उसमें मैं छौंक जो मैंने बनाया है वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें। दाल का फ़ोरन देने के बाद इसको मैं और एक बार थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी। एक बॉईल आने के बाद मैं गैस को बंद करके दूसरे जो मैं बनाने वाली हूँ उसका मैं प्रिपेयर कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं कढ़ाई में सरसों का तेल ले रही हूँ।
मैं बैगन भाजा बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने बैगन को पहले ही नमक और हल्दी में आधा घंटा के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, क्योंकि डायरेक्टली अगर आपके पास टाइम है तो आप मैरिनेट कर सकते हो, लेकिन अगर जल्दी आपको बनाना है तो आप इंस्टेंट भी हल्दी नमक डाल के बना सकते हो। लेकिन अगर आप पहले से अगर मैरिनेट करके रख दोगे ना तो वो कम तेल सोख करता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने पहले ही कर लिया था नमक हल्दी लगा के, आधा घंटा हो चुका था। तो उसके बाद यहाँ पर मैं बैगन फ्राई कर ले रही हूँ तेल में। तो बैगन भाजा बनके यहाँ पे रेडी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल झड़ने के लिए मैंने यहाँ पे करछी में थोड़ा सा रख दिया है। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और उसके बाद नेक्स्ट डिश की प्रिपरेशन में करना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में वही सेम तेल में और थोड़ा सा तेल ऐड करके मैंने हल्दी का पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च लिया है थोड़ा सा कलर रेड आने के लिए। ये मैं कर रही हूँ एक करी परवल जो सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अंडे जो मैंने हार्ड बॉयल करके रखे हुए थे उसको मैं थोड़ा सा नमक हल्दी में इस तरह से फ्राई कर लूँगी, जिससे कलर वो करी में थोड़ा सा एग्स का अच्छा आए। तो मैं यहाँ पे एक टाइम का ही बना रही हूँ, मम्मी तो खा के जाएगी, मैं तो एक ही एक खाती हूँ तो वही खा लेंगे हम लोग, फिर रात का देखेंगे क्या बनता है। तो इसीलिए उसके बाद एग्स फ्राई होने के बाद यहाँ पे मैंने सबसे पहले फ़ोरन के लिए थोड़ा सा तेज़पत्ता ऐड किया है। तेज़पत्ता ऐड करने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पर साबुत धनिया ऐड किया है, और जैसे ये थोड़ा सा कलर थोड़ा ब्लैक होने लगे मैंने यहाँ पे पटल मैंने काट के रखे थे वो पटल में ऐड कर दूँगी, और साथ ही में जो एक करी में जो आलू जाएगा वो भी मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा रेडिश कलर आने तक। उससे क्या होता है ना, उससे थोड़ा सा जो सब्जी का कलर है वो रेड रेड दिखता है, अगर वेजिटेबल्स भी साथ में जो दे रहे हो वो थोड़ा सा अगर रेड कलर का आए तो वो वेजिटेबल मतलब करी देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा इसीलिए मैं थोड़ा सा पहले तेल में फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मसालों को ऐड करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा रेडिश कलर आने लगा है ये जो पटल और आलू है। तो अभी इसी स्टेज पे मैं इसमें मैंने जो पहले ही मसाले पीस के रखे थे, मतलब अदरक, जीरा, लहसुन, प्याज, वही और ग्रीन चिली का मैंने जो एक स्मूथ पेस्ट बनाया था वो मैं अभी ऐड कर दूँगी। पहले मैं सब्जियों को फ्राई थोड़ा तेल में इसीलिए करती हूँ ना, क्योंकि वो पहले से ही अगर थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो पानी ऐड करने के बाद तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सब्जी को फुल्ली बॉयल्ड होने में। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने पानी थोड़ा मसालों का ऐड कर दिया था वो ग्राइंडर में जो लगा हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। इसको अभी थोड़ा सा मैं मसालों को अच्छे से भुनूंगी ये वेजिटेबल के साथ। तो जब तक मसाला ये भुन के रेडी होगा तब तक आलू और पटल भी 80% कुक हो जाएंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आलू पटल यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा मसालों के साथ भुन जाए, यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज बारीक काट के रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा मसालों के साथ मैं भून लूँगी जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। फ्राई करते करते ही मैंने इसमें नमक और चीनी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से टमाटर और प्याज को मिक्स करने के बाद यहाँ पे मसाला जो है अच्छे से थोड़ा सा बर्न फ्लेवर आने लगा है। तो अभी मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, वही ग्राइंडर में जो रिमेनिंग मसाला थोड़ा बहुत था उसमें मैंने पानी ऐड करके इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं एग्स को इसमें ऐड कर दूँगी इसी जब पानी ऐड करने के बाद, ताकि जो मसाले का जो फ्लेवर है वो एग्स के अंदर अच्छे से जाए। मैंने एग्स जब मैं फ्राई करने से पहले ही मैंने उसमें थोड़ा सा कट लगा दिया था ताकि अच्छे से उसके अंदर भी जाए मसाला। पानी मैंने उतना ही ऐड किया है जितना बस ये थोड़ा सा और 20% बॉयल होने के लिए लगेगा ये जो वेजिटेबल है। तो इसको मैं लो सिम फ्लेम करके ढक दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा एक परवल करी जो है आलू के साथ सेमी ग्रेवी टाइप का ये बन के रेडी है। मैंने थोड़ा इसको कौसा कौसा बनाया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने दाल बना लिया था तो मुझे झोल नहीं चाहिए था इसका, इसीलिए मैंने बिल्कुल पानी सुखा लिया है और ये बिल्कुल बन के रेडी है। बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है, आप भी इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज है नेक्स्ट डे, कल वाला ब्लॉग ही कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि कल और वहाँ से आने के बाद ना और वीडियो मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाया था, तो ऐसे ही सोचा था कि आज ही एंड कर देंगे वीडियो। तो मम्मी अभी निकलने वाली है ऑफिस, इसीलिए उनको कुछ काम है तो उनको आने में भी लेट होगा, तो मैंने बोला कि आप खाना खा के जाओ। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले जो क्लिप में आपने देखा कि मैं खाना बना रही थी, तो मेरा सारा खाना बन गया है, बैगन भाजा, दाल और डिमर करी और चावल मम्मी बना ली थी, तो वो सारा हो गया। तो अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए।
तो 11 बज गए हैं, तो मम्मी 12 बजे तक, 11:30 या 12 बजे तक निकलेगी, तो वो खा के जाएगी क्योंकि आने में उनको वहाँ से लेट होगा और पता नहीं होती है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। हैप्पी गणेश पूजा टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।